जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में विकास लाइफ केयर के बारे में क्या बात होगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात होगी कि इसके जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस में तेजी कब आएगा, क्योंकि सबसे मेन और इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, चाहे जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके लिए या कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए। यानी कि एक बात तो आप समझ गए, इस कंपनी का फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल एनालिसिस के हर एक पहलू को हम लोग छुएंगे और साथ में जो नए व्यक्ति अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सही अपॉर्चुनिटी की भी तलाश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू से विकास लाइफ केयर का शेयर प्राइस देखेंगे, अभी 3.05 रुपये के आसपास ही अटका हुआ है और ये प्राइस आपको पता है काफी दिनों से 3 से 4 इसी के बीच में घूमते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई तेजी नहीं देखेगी एक दिन में, क्योंकि एक दिन के तेजी की इसलिए नहीं देखी क्योंकि इसका प्राइस जहाँ पे कल ओपन हुआ था वहीं पर इसने अपना क्लोजिंग दे दिया था, तो इसलिए यहाँ पे ये जो शेयर प्राइस है इसमें यहाँ पे फिलहाल कोई तेजी देखते हुए आपको नहीं मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 1.5% के आसपास टूटते हुए नजर आएगा। एक सप्ताह में 5 ही दिन ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट 5 ही दिन ओपन रहता है, इसलिए यहाँ पर 5 दिन लिखा हुआ आता है और उसमें तकरीबन 1.5% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिलेगा। पिछले एक मंथ में देख लेंगे तो एक मंथ में स्टॉक चढ़ा हुआ आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, तकरीबन 4.5% से ज़्यादा टूटते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा है। ग्राफ पर भी देखेंगे धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ये जो देख रहे हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कभी रेक्टेंगल कभी वर्गाकार के हिसाब से टूटते हुए जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें ज़्यादातर लोअर सर्किट ही लगता है, लोअर सर्किट में ही स्टॉक टूट रहा है। पिछले 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में 36% के आसपास से स्टॉक टूटा है और आपको पता है कि ये मार्च के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ स्टॉक नीचे आया है पिछले 6 मंथ में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बात कर लेते हैं कि इसमें तेज़ी कब आएगी। और जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारा मतलब कंपनी के चार्ट से होता है, चार्ट देखते हैं और उसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर तेजी कब बन रही है। जब चार्ट पर तेजी बनती है तभी कंपनी के स्टॉक में यानी कि जो शेयर प्राइस होता है उसमें तेजी देखने को मिलती है। तो देखिए अभी मैंने आपके लिए कंपनी के 1 साल का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ और 1 साल के चार्ट पर आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगातार नीचे की तरफ ही आपको जाते हुए दिखाई देगा। पर्टिकुलर इस लेवल को जो ब्रेक किया है इसने और ये ब्रेक किया पता है आपको फरवरी 2023 में ब्रेक किया और यहाँ से ब्रेक करने के बाद तो प्राइस क्या तेजी के साथ नीचे आया है। तो जिन लोगों ने फरवरी के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उनके पैसे तो लगभग आधे से भी कम रह गए। खैर अभी उतनी चिंता की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद ये प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा इसके लिए थोड़ा हमें और लंबी अवधि का चार्ट ओपन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5 साल का, चलिए 10 साल का चार्ट ओपन कर देते हैं। अब देखिए 10 साल का चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये एक सपोर्ट लेवल है ये वाला एरिया और यहाँ पर देखेंगे ये 2 रुपये के आसपास के एरिया और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपये के आसपास चल रहा है। देखिए ये है 4 रुपये, ये 4 रुपये है, 4 रुपये का ये लेवल है और यह 2 रुपये और बीच में 3 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रुपये के आसपास पहले भी इसने एक बार सपोर्ट बनाया था और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस इसी सपोर्ट के आसपास ठहरा हुआ है। अब यहाँ से 2 बातें हो सकती है, या तो इस कंपनी के Q4 के नंबर अच्छे आ जाएँ, Q4 के नंबर अच्छे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये प्राइस यहाँ से नीचे नहीं लुटकेगा बल्कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस यानी कि 4 रुपये के आसपास आपको जाते हुए दिखाई देगा। अब देखिए जब 4 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस पहुंचेगा तो यहाँ पर इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए यहाँ पर भी एक बार रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है 6 रुपये के आसपास, क्योंकि 4 रुपये के लेवल को तो ईजिली ब्रेक कर लेगा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं रहेगी। एक बार 4 रुपये के आसपास पहुँचेगा तो वहाँ पर और न्यू बायर आएंगे और जब न्यू बायर आएंगे तो इस प्राइस को ऊपर उठाएंगे और ये प्राइस चलिए 6 रुपये तक जाते हुए आपको दिखेगा और 6 रुपये पर इसका मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से प्राइस फिर रिट्रेसमेंट मारकर नीचे आए और तब ऊपर उठे, तो आपको यहाँ पर आएगा उसके लिए थोड़ा समय लगेगा और वहाँ पर आने के बाद की बात है। लेकिन फिलहाल इस कंपनी का शेयर प्राइस जरूरी है कि Q4 का नंबर है और Q4 का नंबर है इसके बाद प्राइस ये ऊपर की तरफ जाए। तो Q4 का नंबर कब आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीएस इंडिया की वेबसाइट पर देखेंगे कि इस कंपनी का जो 8 मई को एक मीटिंग हुआ था जिसमें इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी और मीटिंग ये इसीलिए हुआ था कि जो 2021 के क्वार्टर नंबर आने हैं उसके लिए जो ऑडिट फाइनेंशियल ईयर का सबमिट किया जाता है ये उन लोगों ने सबमिट किया। और देखिए कोई भी बोर्ड ऑफ मीटिंग होता है किसी भी कंपनी का तो उसमें डायरेक्ट नहीं बताया जाता है कि क्वार्टर के जो नंबर हैं वो कितने तारीख को आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड होता है जिस दिन ये मीटिंग होती है उसी मंथ के लास्ट में या उसके अगले मंथ में आने की संभावना रहती है। तो आप मान कर चलिए यदि मई लास्ट तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये Q4 का नंबर जून में आएगा। तो बिजनेस तो कंपनी का देखिए बड़ा हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हमें मतलब है शेयर प्राइस बढ़ने से। शेयर प्राइस में तेजी तब आएगी जब कंपनी का चार्ट आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, जो बातें मैंने आपको चार्ट पर बताई। शेयर प्राइस यहाँ पर बुक से ज्यादा है ये बहुत बढ़िया बात है और मार्केट कैप तकरीबन 450 करोड़ के आसपास ये भी काफी कमाल की बात है। और यहाँ पर देखिए सबसे मजे की बात ये है कि इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE जो दोनों है ये 25% और 21% के आसपास है, ये बहुत ही कमाल की बात है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कंपनी कुछ ना कुछ कमा के देगी ही देगी। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट को डिस्कस कर लेते हैं और बैलेंस शीट पर देखेंगे सबसे पहले कंपनी के पास खर्चा कितना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कंपनी का कर्जा यहाँ पर तो पिछले कुछ दिनों में कम ही हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का यहाँ पर रिजर्व पैसा आपको बढ़ते हुए दिखेगा। देखिए ये है रिजर्व और यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं रिजर्व यानी कि फ्री कैश फ्लो जो होता है वो कंपनी का बढ़ रहा है, तो कंपनी का जब फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है और डेप्ट भी बढ़ रहा है तो वो उतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि कंपनी के उसके साथ साथ कमाई भी हो रही है। तो देखिए, विकास लाइफ केयर में तेजी आने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होगा तो विकास लाइफ केयर में पैसा बनेगा, पेशेंस नहीं है तो आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और अभी इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप बेशक निकल भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यदि पेशेंस रहेगा तो विकास लाइफ केयर में आपका पैसा बनेगा और ये कंपनी आपको पैसा बनाकर देगी। उम्मीद करता हूँ विकास लाइफ केयर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और चाहते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना तो आप भी मैं स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि उसमें लगता है जीरो ब्रोकरेज और उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।